खबर अजमेर से, जहां पर बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रियशील हाड़ा ने प्रेस वार्ता में कोरोना वायरस को लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से बरती जा रही लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस दिन ब दिन विकराल रूप ले रहा है, लेकिन इस बीमारी को लेकर सीएमएचओ और जेएलएन अस्पताल के बीच तालमेल नहीं है। उन्होंने कहा कि जिले में सैंपल की जांच करने के लिए 5 मशीनें आ चुकी है, जिसकी क्षमता रोजाना 4000 सैंपल की है। बावजूद इसके रोजाना करीब 150 सैंपलिंग की जा रही है। इसके अलावा हाड़ा ने अजमेर में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठाए। का कृषि जींसों पे टैक्स लगाया गया, कृषक पे कल्याण कोष में 2% का टैक्स लगाया जा रहा है। हमारी मांग इतनी सी है, जब आप कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले तो कहती कृषकों को सभी ब्याज माफ़ करेंगे, बिजली का बिल सस्ता किया जाएगा, अन्य जो भी लोन है सब माफ़ किए जाएंगे। अभी कृषक भाई सबसे ज़्यादा परेशान है, खेतों में कटाई नहीं हुई है, बरसात की वजह से ओलावृष्टि की वजह से फसल बिल्कुल चौपट हुई है। ऐसे में उन पर 2% का टैक्स और लगाना, ये कहाँ तक सरकार की वो है।